डंबल प्रेस में दो तीन मिस्टेक होता है। ये मैंने डाला आर्जिनिन, सॉरी सिट्रुलिन, ये नहीं ले रहा अभी मैं। ये जो है क्रिएटिन एक स्कूप, फिर आर्जिनिन अभी मैं डाल रहा हूँ, मैं बाद में बताऊँगा क्यों डाल रहा हूँ, और प्री वर्कआउट एक स्कूप। इसके साथ एक हिमालयन पिंक सॉल्ट, एक पिंच ऑफ सॉल्ट में मिलाता हूँ, सोडियम आ जाए थोड़ा, वो पंप अच्छा देता है। अंदर से लगाना पड़ता है इसको, कीड़े बहुत हैं यहाँ पे। ये है अपना जिम ऊपर वाला, ये बाहर चप्पल की दुकान। चेंजिंग रूम है ये। अभी पुश चेस्ट, तो वार्म अप कर लेते हैं 20 में। अभी सेकंड सेट 25। देखते हैं जा रहा है नहीं जा रहा। लिफ्ट कर देना, दे लिफ्ट कर, थक गए। दर्द था अब नहीं, अब छोड़ दे। ये जो पर्टिकुलर एंगल होता है ना बेंच का, तो ये अगर आप ज़्यादा उसको लगा रहे हो उसमें 45 डिग्री, तो ये इंक्लाइन चेस्ट जो अपना अपर पार्ट होता है ना चेस्ट का, उसमें ज़्यादा आता है। अगर बेंच को आप थोड़ा नीचे रखते हो, ये क्या होता है, ना ही आपका अपर ज़्यादा आएगा ना ही मिड ज़्यादा आएगा, दोनों बराबर आएगा। अभी 25 का और एक सेट लगाएंगे, मैं इंक्रीज़ करता रहता हूँ, जैसे कि वार्म अप गया फिर 25, 30, 35, फिर 30 डाउन, फिर 25। इसको पिरामिड ट्रेनिंग बोलते हैं, पूरा मसल में जितना ATP जितना पावर है ना सारे यूज हो जाएगा वहाँ पे। हेवी जाने पे क्या होता है, आप मतलब लास्ट का एक दो आपका फेल हो जाता है, फिर आप एक्सट्रीमेंट तक नहीं जा सकते, तो आप आइदर ड्रॉप सेट कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो। डंबल प्रेस में दो तीन मिस्टेक होता है, मैं 25 kg में करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सही लगेगा हैवी वेट है। एक तो लोग ऐसे करते हैं, पूरा ऐसे नीचे आएंगे फिर ऊपर जाते हैं, ये अच्छा है कोई दिक्कत नहीं, पर शोल्डर में ज़्यादा आ जाता है, फिर कुछ टाइम बाद आपको शोल्डर दिक्कत होगा, थोड़ा ट्विस्ट कर लेना ऐसे। अब जाओ, अब ये पूरा चेस्ट पे आ रहा है। सेकंड मिस्टेक क्या है, मैं भी ये गलती क्या करता था पहले, मैं इसको नीचे लेता था, अब उठाते टाइम देखो पहले शोल्डर से प्रेस करता था ऐसे, ये आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ये गलत है। अभी देखो नीचे जा रहा हूँ, अब इस शोल्डर से प्रेस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आपको, पूरा नीचे जाना है। अरे यार हैवी हो गया, रुको थोड़ा। तो आपको करना कैसे, ऐसे नीचे आना है, अब प्रेस करते टाइम ना पहले ऐसे चेस्ट, ये देखो जब मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, पूरा हाथ छोड़ देना, अब पूरा प्रेस करना, देखो चेस्ट पहले आ रहा है। ये थोड़ा जानना डिफ़िकल्ट है, कैमरा पे शो करना डिफ़िकल्ट है, बट कुछ दिन बाद जब माइंड मसल कनेक्शन सही आता है आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको नीचे जाना है, अब देखो मैं अगर आर्च भी बनाया ना तब भी क्या होता है ना, मैं ऐसे प्रेस करता था पहले, तो देखो चेस्ट तो आ रहा है लेकिन शोल्डर ज़्यादा आ जाता है। अब उसको अगर मैं ऐसा करके इस तरह प्रेस करूँगा ना, पहले चेस्ट आता है। ये चेस्ट प्रेस है, थोड़ा ऊपर उठाऊँ, जो निप्पल है उसके लाइन पर आना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाऊँ क्या। शोल्डर्स के दो हेड हैं रियर डेल्ट के, मैं पूरा ऐसे ऐसे बैठ गया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे पूरा यहाँ पे ना खाली होगा, यहाँ पे ये जगह खाली होना चाहिए पूरा। इसके 5 के आसपास सेट देने, 2 वार्म अप रहेगा, फिर 3 या 4 वर्किंग देंगे डिपेंडिंग अपन कैसा फील हो रहा है। देखो पहले चेस्ट आ रहा है, ये पार्ट है ना, ये पूरा हिट कर रहा है मैं, इसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा अपर देने को, इसमें आप थोड़ा फिट अपर नीचे करके अपर मेड
लो यार तीनों दे सकते हो। अभी ये डिक्लाइन बेंच है, डिक्लाइन बेंच ओवरऑल चेस्ट पूरा टारगेट करता है। लोग सोचते हैं कि लोअर चेस्ट आता है, नहीं लोअर चेस्ट तो आता है, ये डोमिनेट है लोअर चेस्ट, बट अपर मिड सब आता है इसमें डिक्लाइन बेंच। पहले बीच में दो साल मैंने आई थिंक फ्लैट बेंच कभी किया ही नहीं, इंक्लाइन और डिक्लाइन। मुझे लगता है कि अगर आप इंक्लाइन और डिक्लाइन ही करते हो ना, तो अगर आप स्किप भी कर दोगे ना फ्लैट चेस्ट, हाँ मतलब फ्लैट के दूसरे वेरिएशन जैसे कि फ्लाई लाई करोगे आप, फ्लाई करोगे, प्रेस करोगे, लेकिन जो बेंच प्रेस है डंबल प्रेस फ्लैट में मैंने पूरा बंद कर दिया था दो साल, और मुझे नहीं लगा कि उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आया। ये पूरा रिट्रैक्ट कर देना शोल्डर, अब उसी पोस्चर को मेंटेन करना है आपको, ऐसा पुश करना है आपको। बाप रे, पुश डे था तो इसके बाद मैंने ट्राइसेप्स के वेरिएशंस किए, फिर उसके बाद शोल्डर की भी वेरिएशन किए। इस वीडियो में डाल नहीं रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अब इस वर्कआउट का मैंने 4 या 5 सेट लगाया, फिर उसके बाद और एक ट्राइसेप्स का वर्कआउट किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, और मुझे सजेस्ट करिए कि और क्या आप देखना चाहते हैं। थैंक यू।